हे एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नो योर कार विद मोहम्मद नदीम। सो गाइस, थैंक यू सो मच आपने मेरे चैनल पे विजिट किया। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज पूरा चैनल विजिट करिए। इसमें आपको काफी सारा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे जो डे टू डे बेसिस में आपको आपकी व्हीकल के फीचर्स एकदम सिंपल वे में समझने में और उनको यूज करने में हेल्प करेंगे। ये सब फीचर्स देखने के बाद अगर आपको वीडियोस यूजफुल लग रहा है तो रिक्वेस्ट है अगेन, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए, जैसा कि आपने आज का कैप्शन देखा, आज हम लोग न्यू इनोवा हाई क्रॉस जो 2 लीटर पेट्रोल वर्जन आता है उसके फ्यूल एफिशिएंसी की टेस्ट करने वाले। अब ये टेस्ट कैसा होगा मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूं वीडियो स्टार्ट करने के पहले। तो सबसे पहले आपको बता दूं, इसका हम लोग फ्यूल टैंक जो है उसे फुल करने वाले। अभी भी ये ऑलमोस्ट फुल है, आप देख सकते हैं, बट जो भी 2-3-4 लीटर जाएगा ऑटो कट पे रख के उसको हम लोग फुल कर देंगे। फुल करने के बाद एक 80-90 किलोमीटर हम लोग, आप देख सकते हैं, डे टाइम में वर्किंग डे मंडे पे ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो अच्छे खासे ट्रैफिक में ड्राइव करने वाले है गाड़ी, ठीक है। 80-90 किलोमीटर थोड़ा इसमें हाईवे भी होगा, बट मैं आपको बोल दूं कि 60-70% इसमें मोस्टली ट्रैफिक होने वाला है या रनिंग ट्रैफिक होने वाला है। तो ये वीडियो जैसे ही बन जाएगा, मतलब ये जब हम लोग ये 80-90 किलोमीटर कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जो भी फ्यूल यूज हुआ रहेगा मैं फ्यूल को वापस से फ्यूल टैंक को फुल करूंगा और जितना लीटर फ्यूल अंदर जाएगा उसको हम लोग 80-90 जो भी किलोमीटर आज मैं चलाने वाला हूँ ट्रिप ए को जीरो करके, वो किलोमीटर्स को मैं उससे डिवाइड कर लूंगा। सो सपोज अगर 10 लीटर फ्यूल गया 80-90 किलोमीटर चलाने के बाद, तो मतलब 9 का एवरेज गाड़ी ने दिया। ये मैं अभी जस्ट अज्यूम कर रहा हूँ, अब बाद में हम लोग जब एक्चुअल में पूरा गाड़ी चलाने के बाद फ्यूल टैंक को फुल करेंगे उसका मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। मैं थोड़ी थोड़ी देर में वीडियो ऑन करूंगा क्योंकि मुंबई जैसे सिटी में 80-90 किलोमीटर चलाने, आप समझ सकते हैं, मतलब नई बोल के भी एक 3 घंटा मिनिमम जाएगा। मैं बता देता हूँ आपको, मैं फ्रॉम मलाड से महापे, एरोली महापे की तरफ मैं जा रहा हूँ, तो इस दौरान मैं इसको पूरा वीडियो को कम्प्लीट कर लूंगा, ठीक है। तो अब ये वीडियो का दूसरा अपडेट, मैं पेट्रोल पंप पहुंच चुका हूँ। सो आपको अगर मैं बताऊँ तो इसमें आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट जो टैंक है वो फुल ही है। 2-3-4 लीटर जो भी पेट्रोल जाएगा वो मैं आपको फुल करने के बाद बता दूंगा, इसका अपडेट दे दूंगा कितना लीटर जो पेट्रोल है गाड़ी के अंदर जा रहा है। अब इसके बाद एक बार पेट्रोल फुल हो गया तो हम लोग ड्राइव करेंगे और जब मैं रिटर्न आऊंगा मलाड तो मैं फिर से पेट्रोल फुल करूंगा और आपको एवरेज का अपडेट जो है वो दे दूंगा। बीच बीच में मैं आपको वीडियो दिखाते रहूंगा जो करंट स्टेटस या प्रोग्रेस है। सो ऑलमोस्ट 12 लीटर जो है पेट्रोल 1190 आप देख सकते हो चले गया है। सो आपने जैसा देखा 1190 यानी कि 12 लीटर के आसपास पेट्रोल चले गया, ट्रिप ए को मैंने जीरो कर दिया है। अब हम लोग ड्राइव जो है उसको स्टार्ट करते हैं। ड्राइव जो है वो चालू हो गया है, अराउंड 1 किलोमीटर आप देख सकते हैं हमने गाड़ी चला भी ली है। और अगर आप देखेंगे तो जैसा नॉर्मल मुंबई का ट्रैफिक रहता है, मतलब नॉर्मल ट्रैफिक अगर मैं बताऊं आपको, तो मुंबई में आप 1 घंटे में 15 से 20 किलोमीटर ही मैक्सिमम ड्राइव कर सकते हैं। सो वो ट्रैफिक में हम लोग आज गाड़ी चलाने वाले और हमको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि एक्चुअल में रियल लाइफ सिनेरियो में इनोवा जो GX पेट्रोल वर्जन है वो कितना फ्यूल एफिशिएंसी देने वाला है। तो चलिए, वीडियो में आगे भी कंटिन्यू करूंगा और आपको मैं लाइव अपडेट देते रहूंगा। अगेन और एक अपडेट आप देख सकते हैं, टाइम भी मैं आपको दिखा दूं, 2 बजे हुए दोपहर के, 2:03 और किलोमीटर जो आप देख रहे हैं अभी 2 किलोमीटर ही हुए। और ट्रैफिक मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आप अगर देखोगे तो ट्रैफिक, मतलब जबरदस्त ट्रैफिक में हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। मैं बार बार ट्रैफिक पे इसके लिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि जो एवरेज आएगा तो फिर बाद में जो लोगों की जितनी भी क्वेरी रहेगी ना कि ट्रैफिक में कितना माइलेज देती है वो क्लियर हो जाए। सो इस वजह से मैं थोड़ा इसमें ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। यस, डेफिनेटली जैसे ही मुझे ओपन हाईवेज मिलेगा मैं वो भी आपको अपडेट करूंगा। सो चलिए, वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। थोड़ा सा ओपन हाईवे मिला है, किलोमीटर 4 हो गए हैं टोटल, आप देख सकते हो, मतलब मुंबई में ओपन मतलब स्टॉप एंड गो, तो उसको भी मैं बोला कवर कर लेता हूँ। तो अभी इसके आगे का जो अपडेट रहेगा वो मैं एवरी 10-15 किलोमीटर्स में दूंगा। सो इसके बाद ओवरऑल जो भी रहेगा हम लोग आगे देख लेते हैं। सो अगर आप टाइम देखेंगे तो अभी 2:30 हो गया है और अराउंड 14.4 किलोमीटर्स ओवरऑल गाड़ी चल चुकी है जो आप देख सकते हो। और हम लोग जो फिलहाल ड्राइव कर रहे हैं JVLR पे, JVLR एक काफी फेमस रोड है मुंबई में, लोग अगर एसोसिएटेड रहेंगे मुंबई से तो JVLR से तो आना जाना होता ही होगा, तो पता है लोगों को कैसा इधर पे ट्रैफिक वगैरह रहता है। सो चलिए, वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और जैसा मैंने बोला हर 10-15 किलोमीटर पे मैं आपको अपडेट देते रहूंगा। तो फाइनली हम लोग एरोली टोल क्रॉस कर चुके हैं, 2:45 हो रहा है टाइम आप देख सकते हैं, और जो किलोमीटर्स है वो 22.3 किलोमीटर्स ओवरऑल अभी तक हुए। सो अभी अच्छा थोड़ा खाली रोड मिल रहा है तो इस पर भी हम लोग ड्राइव कर लेते हैं। और स्पीड भी अगर आप देखें
देखेंगे जैसा भी हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो 80-90 भी जा रहे हैं, और ट्रैफिक में तो आपको पता है ज्यादा स्पीड में लेने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा नहीं। सो ये था अभी तक का अपडेट, आगे का वीडियो मैं कंटिन्यू करता हूँ। सो गाइस अराउंड 30.6 किलोमीटर ओवरऑल गाड़ी चल चुका है, 3 बज रहे हैं, आप टाइम देख सकते हैं। सो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा एक काम था, अभी गाड़ी पार्क कर दूंगा थोड़ी देर, वो काम फिनिश करने के बाद हम लोग वापस से ड्राइव बैक करेंगे और हमारा जो एवरेज टेस्ट है उसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए गाइस फाइनली अभी हम लोग वापिस जा रहे हैं, मतलब टूवर्ड्स मलाड। तो अभी अगर आप किलोमीटर्स देखोगे तो 38.5 हो गया है, 530 हुआ है। मैं टाइम इसलिए बता रहा हूँ आपको अभी कि ये भी मुंबई में आपको पता रहेगा कि कितना पीक आवर्स है ट्रैफिक का। सो अभी हम लोग को मलाड पहुंचने के लिए नई बोल के भी और एक अराउंड 28 किलोमीटर लगेगा, फिर उसके बाद हम लोग जो भी होगा 60-70 किलोमीटर उसमें फ्यूल टैंक को वापिस से फुल करेंगे और फाइनली जो भी फ्यूल एफिशिएंसी है उसको कैलकुलेट करके मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो गाइस मैं आ गया हूँ वापिस। सो गाइस फाइनली ये मैं सेकेंड लास्ट अपडेट आपको दे रहा हूँ, इसके बाद डायरेक्ट हम लोग जो पेट्रोल पंप है उस पे ही जाके फ्यूल जब फुल करेंगे वो अपडेट दूंगा। तो JVLR का तलक का मैं आ गया हूँ, JVLR खत्म होने वाला, और आप अगर किलोमीटर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 56 किलोमीटर्स हो गया है, और टाइम भी अगर मैं आपको बता दूं तो 6:07 हुए। नॉर्मली ये टाइम ऑफिस सब छूटने का टाइम रहता है, जिस वजह से आप ट्रैफिक भी देखोगे अगर तो बहुत हैवी हुआ है, और ये जो ट्रैफिक है इसमें अभी मेरे को जो मैप में बता रहा है 11-12 का कंजेशन बता रहा है। अब देखते हैं कि कितने टाइम में मैं ये चीज क्लियर करता हूँ, और उस हिसाब से जब मैं पेट्रोल पंप पहुंच जाऊंगा तो मेरे अंदाज से 60-65-70 किलोमीटर कुछ होगा, तो फिर हम लोग फ्यूल को फुल करेंगे वापस, और जो भी फ्यूल अंदर जाएगा उसको हम लोग किलोमीटर से कैलकुलेट करके माइलेज निकाल के मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सो गाइस फाइनली इस वीडियो का लास्ट अपडेट जहां पे मैं आपको फ्यूल एफिशिएंसी चेक करके बताने वाला हूँ। सो अभी अराउंड 500 मीटर दूर है हम लोग पेट्रोल पंप से, और आप किलोमीटर्स देख सकते हैं टोटल हो गया है 62 के आसपास, टाइम हो रहा है 6:44। अगेन अब टाइम इसके लिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा कितनी ट्रैफिक में मैंने ये गाड़ी को ड्राइव किया है। अब ये ड्राइव करने का रीजन आपको भी बताया हुआ है ऑलरेडी, जैसा 16.13 इस इनोवा हाईक्रॉस पेट्रोल वर्जन 2 लीटर जो आता है उसका क्लेम्ड माइलेज है ARAI क्लेम्ड। तो प्रैक्टिकली में मुंबई जैसी सिटी में ट्रैफिक में आपको इसका माइलेज कितना मिलेगा वो मेरा मेन मोटिव था आपको दिखाने के लिए। सो अभी मैं आपको वापस से एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। सो मैंने सुबह जब दोपहर को निकाला था गाड़ी तो हमने ड्राइव स्टार्ट की थी मलाड से, हम मलाड से महापे तक गए जो अराउंड एरोली के आसपास आता है, और रिटर्न अब हम लोग आ रहे हैं जहां पे किलोमीटर अराउंड 62 हो गया है। अब जब मैं गया था तो फ्यूल टैंक को फुल किया था, अब मैं वापस आ गया हूँ फिर से फ्यूल टैंक को फुल करूंगा। ट्रिप ए को जीरो किया था जहां पे आप देख सकते हैं किलोमीटर 62 हुआ है, तो अब जो भी फाइनल किलोमीटर रहेगा फ्यूल पंप में और जो फ्यूल अंदर जाएगा ये दोनों को मैं आपस में डिवाइड कर दूंगा और एक्चुअल जो फ्यूल एफिशिएंसी आया है उसका मैं आपको अपडेट दूंगा। सो ये है फाइनल किलोमीटर 62.3, और फ्यूल पंप पे गाड़ी लग चुकी है। ये वही सेम फ्यूल पंप है जहाँ पे मैंने सुबह पेट्रोल फुल किया था, अब यहाँ पे मैं वापस से पेट्रोल फुल करूंगा। आप अगर नीडल देखेंगे फुल टैंक की तो ज्यादा नीचे नहीं गई है, अब देखते कितना फ्यूल अंदर जा रहा है और फिर फाइनली हम उसको जो फ्यूल और किलोमीटर से आपस में डिवाइड करके कैलकुलेशन करते हैं। सो ये फाइनल रीडिंग आ चुकी है जो आप देख सकते हैं 5.37 लीटर टोटल फ्यूल गया है। सो बहुत कम फ्यूल अंदर गया, अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि टोटल कितना फ्यूल एफिशिएंसी दिया है। तो आप देख सकते हैं किलोमीटर जो दिखा रहा है वो है 62.3। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 62.3 किलोमीटर जो गाड़ी चला है वो, और यहाँ पे बिल है मेरे हाथ में जो मैंने फ्यूल फिल किया है, तो इसमें भी अगर आप देखेंगे जो टोटल फ्यूल अंदर गया है वो मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो ये आपको देखने को मिल रहा है 5.37 लीटर फ्यूल अंदर गया है टोटल। अब मैं कैल्सी यूज करता हूं, जैसा कि आप सबने देखा जो फ्यूल अंदर गया वो 5.37 लीटर अंदर गया हुआ है, और जो टोटल गाड़ी चला हुआ है वो है 62.3 किलोमीटर, जो अभी मैं इसे डिवाइड करता हूँ। सो 62.3 को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ 5.37 से जो टोटल फ्यूल अंदर गया है, तो आप देख सकते हो बहुत जबरदस्त 11.60 का फ्यूल एफिशिएंसी मिला है, जो बहुत अल्टीमेट है, स्पेशली जब मैंने गाड़ी को इतना ज्यादा आपने अगर देखा रहेगा ट्रैफिक में चलाओ, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि अराउंड मैं अगर बोलूं तो 65-70% जो है गाड़ी ट्रैफिक में चलने वाला है वैसे ही हुआ, क्योंकि जो रूट थी मेरी मलाड से लेके महापे फिर वहां पे थोड़ा काम था उतनी देर के लिए डेफिनेटली गाड़ी बंद थी, फिर वो काम फिनिश करके जब मैं वापस आया तो अगेन इवनिंग टाइम हो गया था। आप लोगों ने पूरी वीडियो में देखा भी क्या टाइम पे मैं गाड़ी चला रहा था, उसके बावजूद भी अगर आप फ्यूल एफिशिएंसी देखेंगे तो आपके सामने है 11.60 जो बहुत अल्टीमेट है। सो होप आप सब लोगों की मैंने क्वेरीज आंसर कर दी है, इसमें अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है आप प्लीज कमेंट करिए, डेफिनेटली
डायरेक्टली, उसका भी मैं आपको आंसर कर दूंगा। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच।